शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से। ऐसे ही प्यार प्यार में तनुजा भाभी को ना जल्दी से पोता या पोती भी दे दो, फिर देखना हर रोज आरती उतारेगी तुम्हारी श्रद्धा। बुआ जी, आपको कोई हेल्प चाहिए थी? ये देखो क्या हाल हो गया है हमारा। ये तुम्हारी मम्मी जी भी ना लड्डू बनाने की जिम्मेदारी हमें दे दी है। अब हम लड्डू बनाए या पूजा के लिए फूल लाने जाए, और अगर गलती से हमने अभय को भेज दिया ना, तो तनुजा भाभी ना लड्डू मार मार के हमें मार देगी। श्रद्धा, तुम जाकर ले आओगी? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, हम चलते। वैसे भूलना नहीं, ले आन जी। ला 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 ला। अबे बुआ जी को हेल्प चाहिए, मैं आती हूँ। जल्दी से जाकर बाजार से पूजा का सामान ले आती हूँ, कहीं बाजार बंद ना हो जाए। अरे कीर्ति, ऐसे भाग के कहाँ जा रही है? दीदू, हम ना वरुण जी के लिए हलवा बनाने जा रहे हैं। प्रसाद वाला भूख पे भी चढ़ जाएगा। क्या तू वरुण जी के लिए हलवा बनाने वाली है? अब दीदू, आप ऐसा ना बहुत चक्का वाला चेहरा मत बनाइए ये सुनकर। आज से वरुण जी के लिए हम हर रोज कुछ ना कुछ बनाएंगे। वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। ये देखो, इतना महंगा और इतना सुंदर डायमंड रिंग दिया है हमें। अच्छा है ना? ये तो बहुत सुंदर है। तो हमने भी सोचा है कि हर दिन उनको कुछ ना कुछ बना के खिलाएंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। अरे अरे कीर्ति से उतार क्यों रही है? दीदू, ये इतना महंगा है, इसको पहन के हलवा बनाऊंगी खराब हो जाएगा। आप रखो, हम फटाक से जा रहे हैं। कीर्ति संभल के। असली अब हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा ने हमें साथ में देख लिया जिस दिन मैं तुम्हें पैसे देने के लिए आया था। कि वरुण, हम कब तक ऐसे डर डर के मिलेंगे? हमें डरना नहीं। बस कुछ दिनों के लिए घर के आसपास हम नहीं मिल सकते, दैट्स ध्यान रखता हूँ। जी, ये अंगूठी शायद अग्नि के हाथ से गिर गई। हाँ, वो अग्नि भी ना
ध्यान नहीं देती है, गिरा देती है। इसका मतलब ये है वरुण जी कि आपने एक ही डिजाइन की अंगूठी कीर्ति और अवनी दोनों को दी। वो मैं श्रद्धा, वो ये कीर्ति की अंगूठी है वरुण जी। एक तरफ वो कीर्ति जो अपने आप को बदलने की इतनी कोशिशें कर रही है और एक तरफ आप उसे धोखा दे रहे हैं। अपनी के साथ मिलकर वरुण जी कीर्ति को पाने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, किस्मत की लकीरें तक बदल दी आपने। आप मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आप वरुण जी? हो क्या गया आपको? ताई जी का फोन। जी ताई जी। श्रद्धा बेटा आप कहाँ हैं? अभी के अभी फौरन घर आ जाइए। वो कीर्ति जी। क्या हुआ कीर्ति को? सब ठीक तो है ना? अरे वो किसी की बात मान ही नहीं रही है। जिद पकड़ के बैठी है कि आज ना हलवा वही बनाएंगी। डॉक्टर ने उन्हें मना किया है ना, ये सब ठीक नहीं है इनके लिए अभी। आज डॉक्टर क्या, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। जब आप माँ बनने वाली थी अपने जमाने में तो आप इससे भी ज्यादा काम करती होंगी, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? बेटा जी ऐसा है ना, करने में और कर सकते हैं में बहुत फर्क होता है। देखो हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कर सकती हो, मगर करने की आदत भी तो होनी चाहिए ना। अभी किचन में हमने अपना कदम रखा ही नहीं है कि आ गए आप हमारे काम में अड़ंगा डालने। कब सुधरेंगी आप बुआ जी? कीर्ति बेटा ऐसी बात नहीं है, हम सबको फिक्र है आपकी। श्रद्धा बेटा अब आप ही समझाइए ना इन्हें। इस वक्त मैं आपको क्या समझाऊं ताई जी, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदू आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी हमें कभी कोई रोक पाया है? आज ना वरुण जी के लिए हम सबसे टेस्टी ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाने वाले हैं। कि इसके बाद उन्हें किसी के हाथ का हलवा पसंद ही नहीं आएगा, आप देखना। अरे बनाएगी क्या, कहीं ज्यादा फैला ना दे। एक तरफ कीर्ति है जो आपके लिए अपने आप को इतना बदलने की कोशिश कर रही है सिर्फ आपके लिए वरुण जी, और आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलिए वरुण जी। मम्मी मैं कर देती हूँ। अरे वरुण जी, देखिए वरुण जी हमने ना आपकी पसंद का सूजी वाला ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा बनाया है। परेशान मत होइए, कम नहीं पड़ेगा, सबके लिए बनाया है। अच्छा क्या हुआ, परेशान क्यों है? ओह कहीं हमारी अंगूठी को लेकर तो परेशान नहीं है ना? किचन में काम करना था ना वरुण जी, तो हमने दीदू को दे दी थी, हम उनसे ले लेंगे। ओके वैसे आप श्रद्धा है कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रही। श्रद्धा को हमने आरती के फूल लाने के लिए भेजा है, लेकिन वो आने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? इतने वक्त में तो ना हम बगीचे से फूल उगा कर ले आते। अब मैं बुलाती हूँ भाभी को। कोई जरूरत नहीं रितु, वैसे भी जब इंसान की नियत में ही अपने परिवार के लिए प्यार नहीं होता है ना,
तो उन्हें बेकार का ढोंग नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये पूजा हमने सिर्फ परिवार वालों के लिए रखी है, तो जो लोग अपनी जिंदगी में ऐश करना चाहते हैं वो करें, हम कौन होते हैं उन्हें टोकने वाले। मम्मी, मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, आप ऐसे मत बोलो ना प्लीज, आप मेरी तरफ देखो तो सही, मम्मी देखो ना, मम्मी मैं मान लू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो ना, मम्मी प्लीज मुझे अपने आप से ऐसे काट के दूर मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी। तुम हमारी बेटी बिल्कुल नहीं हो, और भगवान ना करे कि तुम्हारी जैसी बेटी किसी को भी मिले। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरे अरे कोई रोको इसे, तुम फिर से घर वालों को सिर्फ दर्द ही दे रही हो। आरती, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए, नहीं इस तरह से इसे डर के भागना चाहिए। आरती इस घर की बेटी है, कोई दुश्मन नहीं है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। बेटा माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए, अरे हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला, अरे गुस्से में हम इतने अंधे हो गए थे कि हम तुम पर हाथ भी उठा दिए। बेटा हम बहुत ही शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। मम्मी जी नहीं, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज, आप एक माँ हैं और एक माँ का दर्द मैं समझती हूँ। अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया भी तो फिर अपना समझ के ही उठाया ना। अपनी बहू के प्यार में ऐसे भावुक हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? आपको आरती भी तो करनी है ना अपनी बहू की। बुआ जी, आप हमेशा हमें वो कहावत कहती है ना, देर आए दुरुस्त आए, आज चाची जी के साथ वही हुआ है। हाँ
दीदू हमारी अंगूठी दे दो। चलिए आरती कर लेते हैं, आरती का समय हो रहा है। बोलो माता रानी की जय। जय। चलो आगे बढ़कर आरती लो और उसके बाद आप लोगों को बड़ों का आशीर्वाद भी लेना है। क्या हुआ? मान कहाँ रहता है? जला गया ना? दिखाइए। कीर्ति मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आशीर्वाद। दोनों हमेशा खुश रहो। अरे तुम दोनों भी जाओ आरती के लिए। जी। श्रद्धा बेटा आगे बढ़ो। श्रद्धा आज क्या दूर दूर से आरती और आशीर्वाद लेना है क्या? चलो। श्रद्धा को देख के डर लग रहा है, कहीं उसके मुंह से सच्चाई ना निकल जाए। सच से आप कब तक भागते रहेंगे वरुण जी? चलो। हाँ आशीर्वाद। हम तो तुम दोनों को सिर्फ यही आशीर्वाद देंगे कि दूधो नाओ पूतो फलो, होली पर ना बच्चा जल्दी से कर लो। हाँ और इसी बहाने हमें भी तो मौका मिलेगा मोहल्ले में जश्न मनाने का। श्रद्धा चलो अंदर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। श्रद्धा खुल के बताओ क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में? मेरा शक सही निकला अब है। कैसा शक? अभय, वरुण जी और अवनि उन दोनों के बीच रिश्ता दोस्ती से बढ़कर हो चुका है। क्या बात कर रही हो श्रद्धा? भाई ऐसा नहीं कर सकता है। अबे मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा है। याद है वो वैलेंटाइन डे की शाम जब मैंने वरुण जी को एक लड़की से गले लगते हुए देखा था, वो लड़की अवनि थी। क्योंकि उस वक्त कीर्ति वरुण जी का घर पर इंतजार कर रही थी। वो लड़की अवनि ही है अभय। मुझे ये शक तब हुआ जब मैंने उन दोनों को एक साथ बैंक में देखा था और आज जब मैंने उनको एक अंगूठी दिखाई ये कह के कि वो अवनि की अंगूठी है तो वो बिल्कुल घबरा गए क्योंकि वो अंगूठी कीर्ति की थी। वरुण जी ने अवनि और कीर्ति दोनों को ही एक जैसी अंगूठी दी है। मैंने इस बारे में वरुण जी से साफ साफ पूछने की कोशिश की पर उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब है एक तरफ कीर्ति है जो वरुण जी के लिए अपने आप को इतना बदलने की कोशिश कर रही है, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही है और वरुण जी अपने के साथ
कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। श्रद्धा, अगर इतना कुछ हो गया ना तो भाई को जवाब देना पड़ेगा। अबे कहां जा रहे हैं आप? अबे रुकिए रुकिए, अबे कहां जा रहे? कैसा है, अच्छा लगा? हमने अपने हाथों से बनाया है ना जादू हमारे हाथों में। अगर श्रद्धा ने अभी को सब बता दिया तो क्या हुआ? आप खा क्यों नहीं रहे? वरुण जी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। सबसे लड़ाई करके इतनी मेहनत से हमने आपके लिए आपके पसंद का हलवा बनाया, पता नहीं आपका ध्यान कहाँ है, कुछ नहीं बोल रहे। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अब तारीफ कैसे करूं, तो कुछ कहने की जरूरत है? और मैं सोच रहा था कि जब मेरी स्वीटू ने मेरे लिए इतना बढ़िया हलवा बनाया तो मेरी स्वीटू की ही तरह एक सुंदर सा हीरों का हार तो बनता है। सच में इस होली पे हीरो का हार पक्का। थैंक यू, आप ना दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। और तुम दुनिया की बेस्ट वाइफ। अरे अभय, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ, वो दो मिनट बाहर चलना, कुछ जरूरी बात करनी तुझसे। हाँ तो चल आजा, मैं तभी आता हूँ। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो हमारे सामने नहीं कर सकते? मैं सोच रहा था कि बाहर कहीं आइसक्रीम खाने चले क्या? क्या है ना अबे, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अबे और श्रद्धा को हम पे शक तो नहीं होगी? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।